फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सौमी और आज है सैटरडे। तो सैटरडे सुबह से ये व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ और ये व्लॉग हिंदी में होगा। मैं जब भी हिंदी में व्लॉग बनाती हूँ तो सब लोग बोलते हैं कि बंगाली में व्लॉग ज़्यादा अच्छा लगता है, और जब मैं बंगाली में व्लॉग बनाती हूँ तो बहुत सारे फ्रेंड्स रिक्वेस्ट करते हैं कि हिंदी में व्लॉग बनाओ। तो अभी मैं कन्फ्यूज्ड हूँ मैं किस लैंग्वेज में व्लॉग बनाऊँ, बट मैं बहुत दिनों से हिंदी में व्लॉग नहीं बनाया है तो इसलिए सोचा कि आज हिंदी में व्लॉग बनाया जाए। तो आज का जो प्लान है वो है कि हम लोग जा रहे हैं आज आईकिया। सो मैं थोड़ा सा रेडी भी हो गई हूँ और हम लोग ब्रेकफास्ट करके निकल जाएंगे। और इधर सौरभ ब्रेकफास्ट बना रहा है, मैं दिखाती हूँ क्या बना रहा है ब्रेकफास्ट में। क्या बना रहे हो सौरभ? सॉसेज रोल्स। मतलब ये इसको इधर बोलते हैं मॉर्निंग रोल्स, तो बर्गर टाइप्स दिखने में है तो मैं तो बर्गर ही बोलती हूँ। तो यही हम खा के निकल जाएंगे आइकिया। मैं बहुत पहले व्लॉग में बोला था कि मुझे कुछ फर्नीचर चाहिए। तो आज मैं जा रही हूँ आइकिया बिकॉज़ कुछ फर्नीचर आइकिया से ही ले लेंगे। मैं इधर ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन बोल के एक स्टोर है उधर से फर्नीचर लेने वाली थी, बट मैं जैसे टाइप का चाह रही हूँ ऐसा है नहीं, उधर मिल नहीं रहा है। तो इसीलिए सोचा कि आइकिया से ही ले लेते हैं। मैं जब भी जाती हूँ आइकिया मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ क्योंकि इतना अच्छा अच्छा सामान मिलता है घर के लिए, मतलब घर डेकोर के लिए या फर्नीचर मिलता है, बहुत सारा चीज़ मिलता है। और सोचे थे कि अर्ली चले जाएंगे क्योंकि हमारा प्लान था 10:30 बजे हम लोग निकल जाएंगे, बट अभी टाइम हो गया है 11:30। तो आप लोग सोच ही सकते हो कि कितना लेट हो गया है। सैटरडे संडे ऐसा ही होता है मेरे साथ, तो एटलीस्ट ऐसा ही होता है। मतलब मंडे टू फ्राइडे एकदम टाइम टू टाइम सब कुछ होता है, बट सैटरडे संडे ऐसा नहीं होता है। और आइकिया में फूड कोर्ट है तो हम लोग जब भी आइकिया जाते हैं फूड कोर्ट में हम लोग खाना ज़रूर खाते हैं। तो इसीलिए आज हम लंच नहीं करेंगे, इधर घर से लंच नहीं करके जा रहे हैं, ब्रेकफास्ट करके जा रहे हैं, उधर जाके लंच करेंगे, यही प्लान है। और मैं आपसे शेयर करूंगी कि मैं आइकिया में क्या क्या ले रही हूँ, कैसा है आइकिया। और आइकिया के ऊपर मेरा और भी एक व्लॉग है, अगर आप लोग चेक नहीं किया है तो वो भी चेक कर सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो चलिए मेरे साथ आज आइकिया। आई गेस ये व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगेगा। मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। आज का जो ब्रेकफास्ट है एकदम नॉर्मल सा है, तो ये बर्गर या मॉर्निंग रोल्स जो भी हो ऐसे सॉसेज को फ्राई करके इधर डाल दिया है और सॉस डाल के, ये एकदम नॉर्मल सा ही है मतलब, बट खाने में बहुत अच्छा लगता है। ब्रेकफास्ट करके हम लोग निकल गए हैं और इधर आज ना बहुत तेज़ हवा चल रहा है, ठंडी उतना ज़्यादा नहीं है बट बहुत तेज़ हवा चल रहा है और ये हवा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, पूरा बाल उलट उलट हो जाता है। तो चलिए मैं बाद में आपसे मिलती हूँ। मुझे कुछ रिटर्न करना था तो वो रिटर्न करके अभी जा रहे हैं आइकिया। आइकिया के एकदम पास है, मतलब इधर से आइकिया 2 स्टॉप है, तो सोचा कि वो काम भी कर लेते हैं। तो ये हो गया है, रिटर्न भी हो गया है, अभी हम लोग जा रहे हैं आइकिया फाइनली। और बहुत तेज़ हवा चल रहा है और ये एरिया ना पूरा खाली खाली सा है, तो बहुत तेज़ हवा चल रहा है।
और सोचे थे कि IKEA जल्दी चले जाएंगे, बट वो नहीं हो पाया। जाते जाते मतलब 3-3:30 तो बज ही जाएगा, और IKEA सैटरडे 7 PM तक ही ओपन रहता है। बट वेदर काफ़ी अच्छा है आज। IKEA में ऐसे कंसेप्चुअलाइज रूम डेकोर किया रहता है, मुझे ये चीज़ बहुत पसंद आता है, क्योंकि कभी कभी हमें कन्फ्यूजन आता है कि कौन से फर्नीचर किधर रखें और घर का हर कॉर्नर कैसे यूटिलाइज करें। इससे हमको रूम डेकोर में एक अलग आइडिया मिलता है। मेरा जो फर्स्ट काम था वो है फर्नीचर सिलेक्ट करना, वो मैंने कर लिया। और अभी चलेंगे नीचे मार्केट हॉल में, जहाँ सारे किचन एंड होम एसेंशियल मिलती है। मुझे इधर बहुत सारे फ्राइंग पैन्स मिले, ये अलग अलग साइज में है और प्राइस के हिसाब से क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आ गई हूँ मेरी फेवरेट सेक्शन पे। इधर ना हर शेप्स और साइज का फूड स्टोरेज कंटेनर मिलता है, और आप बोल सकते हो कि मैं ये चीज से थोड़ा ऑब्सेस भी हूँ। मैं पहले भी इधर से 1-2 एयरटाइट कंटेनर्स लिया था, और अब भी मैं सोच रही हूँ कि ये लूँ या ना लूँ। IKEA फेमस है क्रॉकरी सामान के लिए, और अभी मैं वही सेक्शन पे आ गई हूँ। आप देख ही सकते हो कि कितने सारे वैरायटी है इधर। ये जो ग्लासेस है इसका शेप मुझे बहुत ही पसंद आया है, और ये सिर्फ 1 pound में है। इधर बहुत अच्छा अच्छा डिनर सेट भी मिलता है, बोथ 18 and 24 पीसेस का, और काफ़ी इकोनॉमिकल भी है। इस पर मुझे ये फोल्डिंग वुडन टेबल दिखी, और ये बहुत ही यूजफुल होगी, बट मैंने इसको नहीं लिया है। नेक्स्ट टाइम मैं जब आऊँगी IKEA तब मैं इसको ज़रूर लूँगी। और इसका जो प्राइस था वो था 13 pounds। ये सब होम ऑर्गेनाइजेशन और स्टोरेज यूनिट IKEA में बहुत अच्छा मिलता है, और ये ब्लैक एंड वाइट स्टोरेज बॉक्स इस बार न्यू अराइवल में से एक है। इसका जो कलर कम्बिनेशन है इतना अच्छा है कि आप इसको डेकोरेशन पर्पस भी यूज़ कर सकते हो, और छोटा मोटा सामान भी रख सकते हो। और ये नेट का स्टोरेज बॉक्स भी बहुत अच्छा लगा, और ये भी न्यू अराइवल में से एक है। अभी आ गए हैं सौरभ का फेवरेट लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिकल सेक्शन पे। इधर वैरायटी देख के ना सर घूम जाता है।
ये लंबी वाली वाइट लाइट सौरव को बहुत ही पसंद आया था और ये बहुत चीप एंड पोर्टेबल है, बट मैंने उसको अगली बार लेने के लिए राजी किया। ये जो बेड साइड टेबल लैम्प है ये मुझे बहुत ही पसंद आया और ये न्यू अराइवल में से एक है। इसका जो लुक है ये थोड़ा एथनिक लगा मुझे और इसका प्राइस है 27 पाउंड। घर लाइट से सजाने के बाद मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टेल द कारपेट एंड रग सेक्शन। इस पे भी आपको बहुत सारे वैरायटीज मिलेगी और रग स्टार्ट होती है सिर्फ 10 पाउंड से। ये फॉक्स फर की कारपेट रियली सॉफ्ट है एंड एलिगेंट भी है एंड इट कॉस्ट 50 पाउंड। ये थोड़ा एक्सपेंसिव कश्मीरी वर्क्ड कारपेट है, इसका प्राइस ओवर 200 पाउंड है। और ये है आर्टिफिशियल प्लांट्स का सेक्शन। घर में अगर नेचुरल प्लांट मेंटेन करना प्रॉब्लम है तो आइकिया का आर्टिफिशियल प्लांट्स बहुत ही नेचुरल दिखने में है और इसका प्राइस भी रिजनेबल लगता है मुझे। द बेस्ट पार्ट इज इधर प्लांट के साथ साथ बहुत सारे टाइप का पॉट भी मिलता है जो कि डेकोरेशन के लिए आइडियल है। आर्टिफिशियल प्लांट्स के साथ साथ ओरिजिनल प्लांट्स भी मिलता है। मेरे घर में आपको ऐसा ही कुछ प्लांट्स देखने को मिलेगा जो कि मैं आइकिया से लिया था। फ्लावर्स प्लांट्स के साथ साथ इधर बॉन्साई भी मिलती है। मुझे बॉन्साई का बहुत ही शौक है पर मेरे घर में अभी ये रखने का बिल्कुल जगह नहीं है तो मैं इसको नहीं ले पाई। Finishing the shopping.
ऑलमोस्ट हो गया है आइकिया घूमना। बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रहा है क्योंकि इतना बड़ा एरिया है और ये है लास्ट सेक्शन। तो अभी हम लोग निकल जाएंगे और थोड़ा बहुत लिया है जो कि सौरभ के इधर है, थोड़ा सा ही लिया है और मैं बाद में बता रही हूँ कि फर्नीचर के बारे में क्या किया है। तो ये सब बिलिंग काउंटर में अभी जा रहा है। निकल रहा है बिकॉज अभी अंधेरा भी हो गया है और बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रहा है अभी। तो बस टाइमिंग देख के हम लोग जा रहे हैं बस स्टैंड। तो थोड़ा बहुत शॉपिंग किया और मैंने बोला आप लोगों को कि मैं फर्नीचर लेने वाली थी तो इधर से ऑनलाइन ऑर्डर देना पड़ेगा क्योंकि होम डिलीवरी वो करना होगा। सो वही करेंगे हम लोग। तो बस स्टैंड के एकदम करीब है हम लोग। इधर है बस स्टैंड और मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि आइकिया जिधर है ना पूरा एकदम सुनसान जगह है और अभी 6:30 हो गया है तो मतलब खाली है पूरा, बस स्टैंड भी खाली है। जैसे लग रहा है ना पूरा हॉन्टेड लग रहा है मुझे। तो बस इधर से प्राइवेट कार जा रहा है और हम दोनों ही हैं बस। तो देखते हैं बस जल्दी जल्दी मिल जाए तो अच्छा है, मतलब 10 मिनट में बस आ जाएगा। हम लोग घर पहुंच गए हैं और अभी टाइम हो गया है 8:30। तो थोड़े टाइम पहले ही हम लोग आ गए थे और आने के बाद हम लोग चाय पिया और उसके बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ। आपने देखा कि आज कितना तेज़ हवा चल रहा था और सोच ही सकते हो कि कितना मतलब ठंडी भी होगी। तो आते ही चाय या कॉफ़ी ना बहुत ज़रूरी था। तो हम लोग चाय पिया और उसके बाद मैं आपसे बैठ के बात कर रही हूँ और ये व्लॉग को मैं एंड भी करूँगी। तो आज आइकिया से हम लोग जाने भी वाले थे एक जगह बट गए नहीं बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। मैं जब भी आइकिया जाती हूँ ना मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती हूँ बिकॉज इतना चलना पड़ता है आइकिया में और वो मैं कंट्रोल भी नहीं कर पाती हूँ कि मतलब नहीं देखे ऐसा नहीं होता है। मैं आइकिया में जब भी जाती हूँ पूरा आइकिया में घूमती हूँ। तो आज भी वैसे ही किया और मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और आइकिया से कुछ सामान मैंने लिया है, किचन का ही मैक्सिमम सामान। तो इधर है, मैं वो दिखा देती हूँ पहले। और जिस पर्पज़ के लिए आज गए थे आइकिया बिकॉज़ मुझे कुछ फर्नीचर चाहिए था। तो हम लोग देखे उधर फर्नीचर बट लेके आना पॉसिबल नहीं था बिकॉज़ हमारे पास कार नहीं है। तो ऑनलाइन ही ऑर्डर करना पड़ेगा और होम डिलीवरी चार्ज कुछ लगेगा बट क्या कर सकते हैं बिकॉज बस में लेके आना पॉसिबल नहीं है। तो आज कल ऑर्डर कर देंगे। और क्या फर्नीचर मैं ले रही हूँ मतलब बेडरूम के लिए वो मैं बाद में आपसे शेयर करूँगी। तो क्या है कि किचन का कुछ सामान है जो कि मैंने लिया वो पहले दिखा देती हूँ। तो फर्स्ट जो चीज़ मैं दिखाऊंगी वो है ये केलॉग्स कंटेनर। ये मेरे पास नहीं था तो इसलिए मैंने एक ये लिया है और इसका जो प्राइस है ये है 3.5 pounds। और इसके बाद मैं दिखाऊंगी ये ऐसे वाला एक 17 पीसेस का ये एक बॉक्स, स्टोरेज बॉक्स। तो मैं जब भी जाती हूँ आइकिया में ऐसे टाइप का बॉक्स लेके आ जाती हूँ और इसको लेके ना हमेशा सौरभ के साथ मेरा लड़ाई होता है। बट जब भी जाती हूँ मैं ऐसे टाइप का चीज़ लेके आती हूँ किचन के लिए क्योंकि छोटा मोटा सामान रखने के लिए ये सारा कुछ चाहिए होता है बट ये जेंट्स लोगों को पता नहीं है ना। तो ये मैंने एक लिया है और इसका जो प्राइस है ये काफ़ी सस्ता है। 4 pounds में मुझे ये मिला है, 17 पीसेस का है, छोटा बड़ा मिला के ऐसे। तो ये किचन में बहुत काम आएगा। और एक बॉक्स मैंने लिया है, बॉक्स नहीं ये एक छोटा वाला कंटेनर है, ये कांच का है।
तो ये छोटा वाला भी मैंने लिया है, इसका जो प्राइस है वो है 2 pound. 2 pound में ऐसे 4 container है. ये भी काम आ जाएगा किसी ना किसी पर्पस में. नेक्स्ट ये ऐसा एक वुडन स्पैचुला मैंने लिया है और इसका प्राइस था 1.5 pounds. ये काफ़ी सस्ता लगा मुझे, तो ये भी मैंने ले लिया है. ज़्यादा से ज़्यादा सामान मैंने किचन के लिए लिया है और आइकिया में सस्ता में बहुत अच्छा क्वालिटी का सामान मिलता है, तो जब भी मैं जाती हूँ ऐसे टाइप का कुछ मैं लेके आती हूँ. और एक चीज़ मैंने लिया है वो है ये ऐसे टाइप का एक किचन रैक. बेसिकली इसको अभी असेंबल करना पड़ेगा. और ऐसे टाइप का और भी एक मेरे पास है और ये मैं किचन में यूज़ करूँगी डेकोरेटिव पर्पज़ के लिए. और ये मैं कैसे करके यूज़ करूँगी वो मैं बाद में आपसे शेयर करूँगी. तो इसका जो प्राइस है ये बहुत ही कम प्राइस का है और ये है ओनली 2 pounds. तो ये मैंने एक लिया है और एक फ़ोटो फ्रेम मैंने लिया है. ये भी मैं DIY पर्पज़ के लिए लेके आई हूँ. ये फ़ोटो फ्रेम मैं कैसे करके यूज़ करूँगी वो भी मैं दिखाऊँगी ब्लॉग में. तो यही था मेनली जो जिसके लिए गई थी वो था फर्नीचर, वो बाद में आएगा तब भी मैं दिखाऊंगी शेयर भी करूंगी मैं कैसे करके डेकोरेट कर रही हूँ मेरे बेडरूम को. तो यही था और ये व्लॉग को मैं आज इधर एंड भी करूंगी. और ये जो सामान मैंने दिखाया आइकिया का, ये अगर आप इंडिया मतलब हैदराबाद में अभी आइकिया ओपन हुआ है, बॉम्बे में आई गेस आइकिया ओपन हो रहा है, तो इंडिया में जब जिधर भी आप आइकिया में जाओगे ना तो सेम सामान आपको मिलेगा. मतलब ऐसा नहीं है कि एडिनबरा आइकिया में अलग मिलता है, इंडिया आइकिया में अलग मिलता है, ऐसा नहीं है. इंडिया आइकिया में भी ऐसा ही मिलता है ना. तो आइकिया में ज़रूर जाओ, शॉपिंग करो बहुत सारा, क्योंकि मुझे सच्ची में मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रोडक्ट. और आज का दिन मेरा ऐसा ही था. रात के लिए डिनर मैं आज कुछ नहीं बनाऊंगी, कुछ लेफ्ट ओवर खाना था, मतलब कल रात को मैं बनाई थी वही आज रात को हो जाएगा, बिकॉज और पॉसिबल नहीं है मेरे से. तो मिलते हैं नेक्स्ट कोई व्लॉग पे. और ये व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना. और अगर फर्स्ट टाइम मेरा चैनल वॉच कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और शेयर करना, लाइक करना. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए बाय बाय.